हेलो स्टूडेंट्स एग्जाम्स आर वेरी नियर और मुझे लगता है आप सब अपनी पढ़ाई बहुत जोर शोर से कर रहे हो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स आई विल बी देयर फॉर यू टिल द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन मैं रेगुलरली uh, आती रहूँगी और कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको जो भी मुझे लगता है मुझे याद आएगा और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों को ये बात जाननी चाहिए तो मैं आपको बताती रहूँगी परेशान नहीं करूँगी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट ओके तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सब्जेक्ट के अंदर में जिसकी क्लैरिफिकेशन अगर तुम्हें नहीं है मतलब क्लैरिफिकेशन भी बेटर वर्ड नहीं है इन्फॉर्मेशन नहीं है चलो ओके okay? तो तुमको सम करना आता है प्रोसेस भी आता है सब कुछ आता है लेकिन सिर्फ वो चीज़ नहीं पता ना एंड दैट इज़ वाई तुम वो सम गड़बड़ करके आ जाओगे पेपर के अंदर में फॉर श्योर sure. उसमें से ही ऐसी कई सारी चीज़ें एक्चुअली अगर देखा जाए तो तो उनमें से ही कोई एक चीज़ है फॉरेक्स के अंदर में द सम्स विच आर बेस्ड ऑन लेट कैंसलेशन एंड लेट एक्सटेंशन ओके मुझे 100% परसेंट ये श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप सबको पता है दैट होल ऑफ़ दिस प्रोसेस इज गवर्नड बाई फेडाई फॉरन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये तुम्हारा फेट ऑफ फॉरवर्ड्स करके तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है राइट तो वो जो प्रोसेस जितना भी इन्वॉल्व है उसके अंदर में लाइक आउटले ऑफ फंड्स एंड सॉप लॉस एंड ऑल दैट मैंने डिटेल में पढ़ाया है फास्ट ट्रैक में भी पढ़ाया और भी बहुत वीडियोज़ हैं अगर नहीं आता तो जाकर के देखो ओके okay? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गवर्न कौन करता है फेडाई फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उनके टाइम टू टाइम तुम्हारी नोटिफिकेशन्स आते रहते हैं तो एक पुराना नोटिफिकेशन था कि अगर सुनना ध्यान से कि एक तो बंदा आ गया सपोज कैंसिलेशन का मैं लेती हूँ एग्जाम्पल तो बंदा टाइम के पहले कैंसिल करने को आया लाइक अगर जैन टू मार्च का अपन देखते हैं तो फेब में आ गया नॉर्मल है कोई टेंशन नहीं है ड्यू डेट के दिन आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट आया कितना लेट आया वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे ग्रेस पीरियड के अंदर आया कि ग्रेस पीरियड के बाद में आया तो जो पुराने सम्स हैं तुम्हारे हम सब की बुक्स में जितनी भी फैकल्टीज हैं उन सबके बुक्स में जो पुराने सम्स हैं उसके अंदर में तुम डेट्स देखोगे ना मैं तुमको दिखाती हूँ एक मेरे पास खुला हुआ ये सारा ये ओके देखो ये वाला सम देखो ये सारे सम्स मॉड्यूल के अंदर में हैं ओके अब यहाँ पे देखो तुमको दो तीन सम दिखाती हूँ मैं कैन यू सी दैट टेंथ जून एंड ट्वेंटी एथ जून आप सबको ये बात पता होगी ऐसे नहीं कि पता नहीं है ओके आई विल टेक अल्टेक्यू फाइव मिनट्स बिकॉज एक्सप्लेन नहीं करूँगी तुम कन्फ्यूज़ कर जाओगे टेंथ जून एंड ट्वेंटी एथ जून तुमको पता है ये टेंथ जून पक्के से ड्यू डेट है देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे टेंथ अप्रैल दिख रहा है तुमको टेंथ अप्रैल और टेंथ जून उसकी ड्यू डेट होती है और वो बंदा टर्न अप नहीं होता है और टर्न अप कब होता है ट्वेंटी जून को होता है दस दिन के बाद ओके okay, तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए जब ये सम बना था तो ये ग्रेस पीरियड के अंदर था क्योंकि पहले ग्रेस पीरियड 15 डेज की होती थी यानी कि अगर टेंथ जून तुम्हारी ड्यू डेट है तो उस पर फिफ्टीन डेज और तुम ऐड कर दो तो कितना हो गया 10 प्लस टेन हो गया तुम्हारा फिफ्टी uh, 20 एंड 20 प्लस फाइव हो गया ट्वेंटी यानी ट्वेंटी जून तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लाइव रहेगा मतलब कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड का बैंक के साथ में लाइव रहेगा मतलब वो ऑटो कैंसिल नहीं होगा मेरे कहने का ये मतलब है ओके okay. लेकिन अगर बंदा ट्वेंटी फिफ्थ जून तक नहीं आता है तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक बेसिस पे कैंसिल हो जाएगा और उसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी वो ऑटो कैंसल्ड रेट के हिसाब से आएगी ओके लेकिन अगर पहले की बात कर रही हूँ अभी की बात नहीं कर रही पहले पूरा सुनो उसके बाद रिएक्ट करना सो अगर टेंथ जून तुम्हारी ड्यू डेट थी और तुम ट्वेंटी फिफ्थ जून के बीच में कभी भी बीच में आते हो लेट हो चुका है बट ग्रेस पीरियड चालू है तुम्हारा तो तुम्हारी जो कैंसलेशन होगी वो जिस भी दिन तुम आगे फॉर एग्जाम्पल इलेवंथ को आए लाइक like ट्वेंटियथ को आए तो ट्वेंटीएथ की स्पॉट रेट के साथ में कैंसिल होगा तुम्हारा वो अपने मन से ऑटो कैंसिल बैंक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ओके ऑटो कैंसिल कब होता अगर वो ट्वेंटी फिफ्थ जून के इवनिंग तक भी नहीं आता तो उसका ऑटो कैंसिल हो जाता और वो जो ऑटो कैंसिल वाली रेट थी उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन चलती थी तो ऐसे बहुत सारे सम्स हैं लेकिन अब रूल चेंज हो चुका है रूल हो चुका है थ्री डेज का मतलब अब वो ग्रेस पीरियड फिफ्टीन डेज की नहीं है अब वो ग्रेस पीरियड थ्री डेज़ की है इंस्टीट्यूट ने वो अपडेशन ऑलरेडी कर दिया है बट फिर भी तुम्हारे पास में ऐसे बहुत सारे सम्स होंगे जिसके अंदर में ये दस जून बीस जून ऐसा दिया हुआ होगा अगर मैं आज के परस्पेक्टिव से देखूं तो ये क्वेश्चन ऑटो कैंसिल का हो चुका लेकिन मेरे को इसमें चाहिएगा थर्टीनथ जून का डेटा ऑटो कैंसिल करने के लिए तो आइडियली ये क्या होना चाहिए था पता है तुम्हें अगर मैं इसको ठीक करना चाहूं आई मीन ग्रेस पीरियड के अंदर रखना चाहूं तो टेंथ जून बारह जून ट्वेल्थ जून कर सकते हैं क्योंकि ऑटो कैंसिल थर्टींथ जून को होगा अब वो ग्रेस पीरियड मतलब अगर तुम तीन दिन के अंदर में नहीं आते हो कस्टमर की बात कर रही हूँ तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक बेसिस पे ही कैंसिल हो जाएगा और मतलब अगर बंदा 12 जून को आता है तो ऑटो कैंसिल नहीं हुआ है मार्केट के स्पॉट के रेट के हिसाब से कैंसिल होगा थर्टींथ जून की इवनिंग तक नहीं आता है तो ऑटो कैंसिल हो जाएगा तो दो पार्ट आ जाएगा इसके अंदर में कुछ चीज़ें दिखाऊंगी तुमको इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है लेकिन क्वेश्चन तुम तुम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो अब दिक्कत पता है क्या है दिक्कत यह है कि इस बी एक ही तुम काम कर सकते हो और वो एक काम ये कर सकते हो कि तुम कैलकुलेशन को चेंज नहीं कर सकते पूरे कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे और डेटा भी नहीं है अपने पास में एनअफ़ क्योंकि अगर ये क्वेश्चन को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ कि भाई आज के हिसाब से बना दो तो मुझे यहाँ पर डेट पता है क्या लगेगी मुझे लगेगा दस जून ओके और या तो उसको दस जून और बारह जून बनाओ ग्रेस पीरियड के अंदर है बंदा और अगर लेट बीस जून रखना चाहते हो तो फिर मेरे को यहां पे तेरह जून का डेटा और लगेगा समझ में आया मैं क्या बोल रही हूं अगर तुम इस सम को एज इट इज रखना चाहते हो कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते तो बीस जून बन जाएगा बारह जून मतलब ग्रेस पीरियड के अंदर ओके पहले पंद्रह दिन था तो ग्रेस पीरियड के अंदर ही था वो बीस जून तो पूरा सम तुम्हारा सही सिर्फ एक चेंज आएगा बीस जून बन जाएगा बारह जून ओके लेकिन अगर तुम ये बोलते हो कि नहीं मैम आज के पर्सपेक्टिव से ही पूरा चेंज तो सेकंड तरीके से और क्या चेंज कर सकते हैं दस जून तुम्हारी ड्यू डेट ओके okay. और बीस जून ग्रेस पीरियड के बाद तो बीच में एक रेट लगेगी ना तुमको थर्टींथ जून आना चाहिए फिर तो या तो डेट को बारह कर दो और नहीं तो बीच में थर्टीन्थ का रेट लेके आओ लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेशन अगर बारह करोगे तो ये एज इट इज पूरा सोल्यूशन तुम्हारा चला जाएगा अगर तुम इसको बोलोगे नहीं नहीं आप इसको पूरी तरह से चेंज कर दो तो फिर तेरह जून का डेटा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा तो आई थिंक बीस को बारह करना ज़्यादा बेटर होगा अब तुमको ये दिखाती हूँ कि इंस्टीट्यूट कहाँ पर अपने चेंजेस कर चुका है दिखाती हूँ रुक जाओ फॉर एग्जाम्पल ये सब मैं पढ़ा रही थी बच्चों को तो टाइप तो हो चुकी बुक तुम्हारी तो मैंने दस को बारह कराया बिकॉज सोलूशन फिर तुम्हारा चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे मतलब ग्रेस के अंदर आ रहा है बंदा अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एक सोल्यूशन है और उन्होंने अपडेट कर दिया था एक्चुअली ये अपडेशन 2020 में आ चुका था ऑलरेडी तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तीन साल हो चुके मैंने 2021 में भी YouTube पे ये बात बोली थी ओके okay? और मैं तुमको दिखाऊंगी फिडाई का जो डॉक्यूमेंट है वो तुमको मैं दिखाऊंगी दो मिनट दे दो मेरे को ओके okay, अब देखो ये सम फोर्थ अप्रैल उसकी ड्यू डेट है दिख रहा है तुमको फोर्थ अप्रैल उसकी ड्यू डेट है फोर्थ जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ कौन सी मेचोरिटी के लिए फोर्थ अप्रैल के लिए तो फोर्थ अप्रैल की ड्यू डेट दी है बंदा टर्न अप नहीं हुआ बंदा तीन दिन के लास्ट तक भी टर्न अपनी नहीं हुआ यानी कि उसका ऑटो कैंसिल हो जाएगा सेवेंथ ऑफ अप्रैल को और कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली चलेगी और वापस से बंदा आएगा या तो कैंसिल करने को एक्सटेंड करने को जो भी तो फोर्टीनथ अप्रैल यही बात मैं तुमको दो मिनट पहले बोल रही थी इंस्टीट्यूट ने अपडेशंस कर दिए हैं वो पंद्रह जून हो चुका है तीन तीन फिफ्टीन डेज हो चुका है थ्री डेज सॉरी अभी मैंने जून बोला अब तुमको शीट दिखाती हूँ मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे फडाई रूल्स ओके okay लेट मी कलर इट फडाई रूल्स टेंथ एडिशन ओके क्या लिखा इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2019 अपडेटेड अप टू फेबररी ट्वेंटी 2022 ओके okay? अब इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें तुमको देखने को मिलेंगी दिस इज मैं सम वेयर आई जस्ट फाउंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट एक्चुअली तो मैं तुमको ज़्यादा पर डिटेलिंग नहीं करती हूँ वो टाइम नहीं अपने पास वो सब बातें करने का बिकॉज सामने पेपर है तुम्हारा एक चीज़ खाली काम की चीज़ देख लो तुम देख रहे हो ये सारे रूल्स अर्ली डिलीवरी एक्सटेंशन कैंसिलेशन ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है हम कुछ अपने मन से नहीं करते रूल बेस्ड होता है वो पूरा मैंने यहाँ पे कलर कर रखा है तुम्हारे लिए देखो यहाँ पे इन द एबसेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कस्टमर वाइड पैरासिक्स पॉइंट वन सेकेंड अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज विच हैज़ मेच्योर्ड शैल बी कैंसल्ड बाई द बैंक विद इन द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग थ्री वर्किंग डे आफ्टर द मेच्योरिटी डेट ओके एज़ पर द पॉलिसी ऑफ द रेस्पेक्टिव बैंक एक और बात तुमको बता दो मैंने क्लास में पढ़ाते समय ये बात बोली है कि चार सिचुएशन हो गई कैंसिल बिफोर द ड्यू डेट कैंसिल ऑन द ड्यू डेट कैंसिल आफ्टर द ड्यू डेट बट विद इन द ग्रेस पीरियड एंड कैंसलेशन आफ्टर द अब आफ्टर तुम कर ही नहीं सकते वो तो ऑटो कैंसिल हो जाएगा राइट तो अगर तुम ड्यू डेट के पहले आते हो और तुम्हारा जब तुम कैंसिल करोगे तो तुम्हारा कैश डिफरेंस अक्रू करेगा तो चारों सिचुएशन में अगर तुमको लॉस हो रहा होगा तुमको वो पैसे देने ही पड़ेंगे बैंक तुमको छोड़ेगा ही नहीं ओके लेकिन अगर गेन आया फॉर एग्जाम्पल मैंने एटी थ्री में फॉरवर्ड बाय किया और रेट एटी फाइव पे मैंने कैंसिल किया और लाख वन लाख डॉलर्स पे चल रहा है तो दो लाख के दो लाख का मेरे को गेन हो गया तो अगर तुम ड्यू डेट के पहले आते हो और ड्यू डेट के दिन आते हो तो तुमको वो दो लाख वो लोग दे देंगे बैंक दे, दे देगा तुमको लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद आते हो भले ग्रेस में आओ या बाद में आओ डिफॉल्ट तुमने किया तुम्हारी गलती है तो वो डिफरेंस तुमको अगर प्रॉफिट होगी तो तुमको नहीं मिलेगा लॉस होगा तो तुमको देना जरूर पड़ेगा बस इतनी बात तुमको आज मुझे बोलनी थी केयरफुल रहना सो विद इन द अब एक पॉइंट और मैंने कलर कर रखा है यहाँ पे द कस्टमर शैल नॉट बी एंटाइटल टू द एक्सचेंज डिफरेंस ये मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे रुक जाओ कलर चेंज करने दो ओके okay? ये वाली ये वाला लाइन देखा तुमको एक क्लास में मैंने रेगुलर बैच में सारी बैचेस में बोला है इफ़ एनी फेवर ऑफ द कस्टमर सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ इज डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर आई होप गाइज दिस वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू तो ऐसी बहुत छोटी 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 चीज़ें होती है सारे बच्चों को कैलकुलेट करना आता है लेकिन इफ़ यू डू नॉट नो द रियल इफ़ यू डू नॉट हैव द रियल इन्फॉर्मेशन द अपडेशन पार्ट देन इट इज़ हाई प्रॉबिलिटी कि हम क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर सकते हैं यानी कि अब पेपर में अगर सम आएगा तो चिंता नहीं करना या तो वो 10 और 12 जून के साथ होगा मतलब ग्रेस पीरियड ऑटो कैंसिल नहीं होगा 13 जून को ऑटो कैंसिल होगा या फिर वो जो तुमको मैंने तीन डेट का सम दिखाया वो वाला सम आएगा तो ये बात पे लेकिन तुम्हारे दिमाग में इस बात की क्लैरिटी रहनी चाहिए वरना कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती तुमसे हो जाएगी थैंक यू सो मच आई होप दिस वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू एंड आई विश अगेन एंड अगेन टू ऑल ऑफ यू दैट यू जस्ट एक्सेल इन एन एग्जाम्स मे गॉड हेल्प यू राइट ऑल द क्वेश्चन वेरी वेरी प्रॉपरली भगवान करे जितने क्वेश्चन हों सब तुम कर पाओ और माई ऑल द ब्लेसिंग्स आर विद ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच